अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया है कि अगर आपके पास इंग्लिश में मैसेज आता है और आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक आप किस तरह उसको व्हाट्सएप के ऊपर उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास उर्दू में मैसेज आता है और आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो आप किस तरह से सिंगल क्लिक में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। हमने जो अपनी एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस है उसका जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। तो मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस का प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमने जो प्ले स्टोर की सर्च बार है उसमें लिखना है हाई ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑनलाइन ट्रांसलेटर। तो हमने ये जो तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन है हाई ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑनलाइन ट्रांसलेटर, इसको हमने अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको अपनी एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरी एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, कुछ सेटिंग्स करनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होती है तो इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, वन स्टेप टूल फॉर चैट ट्रांसलेशन। तो गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमने देखें आप कह रहा है कि हाई ट्रांसलेट नीड एसेस टू द लेआउट विद एसेसिबिलिटी, तो हमने एसेसिबिलिटी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फाइंड हाई ट्रांसलेट एंड ओपन एसेसिबिलिटी, तो हमने क्या करना है आप देख सकते हैं ये नीचे हाई ट्रांसलेट आ रहा है और ये ऑफ है, इसको हमने ऑन करना है। तो मैं हाई ट्रांसलेट पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ऊपर देख सकते हैं ये ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं ओके कर लेता हूँ। अब बस यहाँ तक इस यहाँ पे एसेसिबिलिटी में हमने इतनी सेटिंग्स करनी थी। अब मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन पर चले जाता हूँ। बैरियर फ्री कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। सस्पेंडेड परमिशंस कॉन्फ़िगरेशन तो डन कर देता हूँ, ये भी हो गई हैं। प्लीज़ देखें अब ये दो आपको इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, प्लीज़ कीप द नेटवर्क कनेक्शन व्हेन यूजिंग एंड द ट्रांसलेशन फंक्शंस नीड्स रियल टाइम ट्रांसलेशन रिजल्ट थ्रू इंटरनेट, प्लीज़ लॉग हाई ट्रांसलेट इन मल्टी टास्क फॉर क्विक ओपनिंग। तो बस हमने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। हाई ट्रांसलेट बॉल इज़ ऑन, तो आप देख सकते हैं ये साइड में मेरे पास है ट्रांसलेट बॉल आ रही है। तो यहाँ पे योर लैंग्वेज, हमने हमारी लैंग्वेज कौन सी है हमने वो सिलेक्ट करनी है। जैसे सपोज हमारी लैंग्वेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं उर्दू है, और जो सी लैंग्वेज जो हमारे फ्रेंड जिसके साथ हम व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, जो भी हमारा दोस्त है फ्रेंड है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। तो बस यहाँ तक हमने यही करना था। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने जो व्हाट्सएप है उसको ओपन कर लेना है। देख सकते हैं ये मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। तो हमने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरी लैंग्वेज उर्दू है और जो मेरे फ्रेंड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो साइड पर ये साइड पर आ रहा है इसको मैंने ड्रैग करना है, और ड्रैग करके इंग्लिश के ऊपर जो हिस्सा है मैंने उसको ड्रॉप कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये जो उनसे है मेरी इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं जैसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं दूसरे पे ड्रॉप करता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग पे क्या हो रहा है, देखें आपने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं तीसरे आई एम मुस्लिम पे इसको ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग करके मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह से जो हमारी व्हाट्सएप चैट है उसको हम जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।